हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की नई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी की नए प्लांट के लिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी निकल के आ गई है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, सैलरी क्या मिलेगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी मारुति सुजुकी की नए प्लांट के लिए निकाली गई है जो खरखौदा सोनीपत हरियाणा में लगाया जा रहा है। टोटल पोस्ट 500 प्लस होने वाले हैं। कंपनी का नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। जॉब लोकेशन खरखौदा सोनीपत। जॉब टाइप जो है वो फिक्स टाइम एम्प्लॉई FTE का है और जॉब ड्यूरेशन एक साल का है। ये वैकेंसी एक साल के लिए है, उसके बाद आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास आउट होना चाहिए मिनिमम 40% से, और साथ में ITI पास आउट होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से ITI पास आउट हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल एज होनी चाहिए और कार्यकाल इसका एक साल होने वाला है। और सैलरी के बारे में जब आपको लिखित परीक्षा दी जाएगी उसी के टाइम पर बताया जाएगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। और यूनिफॉर्म तथा खाना चाय नाश्ता ये सब आपको काम करते समय वक्त मिलेगा। और छुट्टियां जो है सरकारी नियमों के अनुसार आपको छुट्टी मिलेगी। और ज्वाइनिंग के समय आपको 7 दिन की मतलब रहने की व्यवस्था फ्री में दी जाएगी कंपनी की तरफ से, ताकि आप लोग अपना रूम वगैरह का व्यवस्था कर सकें। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा मतलब इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है मारुति सुजुकी कंपनी में निःशुल्क भर्ती होती है, तो कृपया स्टाफों से सावधान रहें, किसी को 1 रुपया भी मत दीजिएगा इस वैकेंसी में ज्वाइन होने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये वैकेंसी केवल सन ब्राइट्स कंपनी की तरफ से पंजाब राज्य के लिए ओपन हुआ है। तो अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्ट वहाँ से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। तो यहाँ पंजाब के लिए वैकेंसी आई हुई तो पंजाब स्टेट शो हो रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नोट्स में दिया है कि जो आपकी एज है वो 25 साल 10 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाइंग फॉर FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉई के लिए वैकेंसी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे नाम, पिता का नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है 10th है, वैकल्पिक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना अगर आपके पास है, अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप एड्रेस फिल करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो कॉपी एज एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, अदरवाइज डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेना है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से देख के स्टेप बाय स्टेप इसको फिल कर लीजिएगा। और इसमें एक ही बार मौका मिलता है तो सावधानी से इसको अप्लाई करिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, धन्यवाद।